आज मैं आया हूँ भारत दर्शन पार्क, और ये पंजाबी बाग में है दिल्ली में, हमारे घर के पास नहीं है। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ये कैसा। दिल्ली की साउथ MCD ने कबाड़ से शानदार भारत दर्शन पार्क तैयार किया है। पार्क में एंट्री सुबह 10 बजे से होती है और रात 10 बजे तक पार्क खुला रहता है। 3 साल से 12 साल के बच्चों का टिकट 50 रुपये है और 12 साल से अधिक के लोगों का टिकट 100 रुपये है। यहाँ आपको हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की प्रतिरूपी देखने को मिलेगी। इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। और अभी आपके सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो आपको वट वृक्ष के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ मधुर संगीत और पानी की कलकल की आवाज बड़ी ही मधुर लगती है। इस पार्क की एक खासियत है कि जो भी वास्तविक ऐतिहासिक धरोहर हैं, उसके साथ साथ जो प्रतिरूप बनाए गए हैं उनकी डिटेल अच्छी तरह दी गई है। पंजाबी बाग में बने इस भारत दर्शन पार्क में 21 कलाकृतियां गाड़ियों के स्क्रैप से बनाई गई हैं। इसे बनाने में करीब 250 से 300 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। भारत दर्शन पार्क 8.5 एकड़ में फैला हुआ है। खास बात यह है कि प्रतिकृतियां MCD स्टोर में व्यर्थ पड़े कबाड़ जैसे कि पुराने वाहन, पंखे, लोहे की छड़े, नट बोल्ट आदि से बनाई गई हैं। यहां ऐतिहासिक इमारतों में कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर, नालंदा स्मारक, मैसूर पैलेस, मीनाक्षी मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, सांची स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं, हवा महल आदि बनाए गए हैं। खास बात यह है कि प्रतिकृतियां MCD स्टोर में व्यर्थ पड़े कबाड़ जैसे कि पुराने वाहन, पंखे, लोहे की छड़े, नट बोल्ट आदि से बनाई गई हैं। इस पार्क की भव्यता और सुंदरता देखने लायक है। ये अनोखा पार्क अपनी सुंदरता और भव्यता से दिल्ली को एक नई पहचान दे रहा है। इस पार्क को बनाने में लगभग 22 महीनों का वक्त लगा है। इस पार्क में भारत के विभिन्न राज्यों की 22 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों और कलाकृतियों की रेप्लिका तैयार की गई है। दक्षिण निगम ने वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए पंजाबी बाग क्षेत्र में इस आकर्षक और बेहतरीन भारत दर्शन पार्क का निर्माण किया है। और अब नज़र डालते हैं इस पार्क की कुछ अहम बातों पर। कलाकृतियों को 8 कलाकार और 22 सहायक कलाकारों ने 150 कारीगरों के साथ मिलकर तैयार किया है। जैसा हमने पहले बताया था आपको कि पार्क को तैयार करने में 22 महीने लगे हैं। पार्क में 5 सोलर ट्री तथा 84 किलोवाट के रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। पर्यटकों के लिए सुबह के समय 100 और शाम के समय 150 रुपये का टिकट होता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए टिकट हमेशा 50 रुपये का ही रहेगा। अब आप दिल्ली में ही 4 धाम के दर्शन भी कर सकते हैं। अब इस महावत पैलेस को ही देखिए। आपने कभी सोचा था कि खाली पड़ी इन बेकार पुरानी बोतलों का इतना अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है? इन बोतलों से इस पैलेस की शोभा में 4 चांद ही लग रहे हैं। कहीं बोतल, कहीं नट बोल्ट, कहीं पुराने शॉकर, इन सबों का इस्तेमाल कर कबाड़ से इतनी खूबसूरत इमारत बनाई गई है। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर जो शांति है, वो शांति हमारे जीवन में भी बनी रहे
और हम एक ही जगह पे सारी खूबसूरत हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की रेप्लिकाओं के दर्शन कर सकें, इसका एक छोटा सा प्रयास है साउथ MCD द्वारा भारत दर्शन पार्क। अब अगर आपको विक्टोरिया पैलेस जाना हो तो कोलकाता जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली के पंजाबी बाग में आपको विक्टोरिया पैलेस के बहुत ही करीब से दर्शन हो सकते हैं। पास खड़े होकर फोटो खिंचवाइए और अपने सोशल मीडिया साइट्स को अपडेट कीजिए। और ये हम्पी रथ को देखें, जो वास्तविक हम्पी रथ है वो पत्थरों से बना हुआ है और ये हम्पी रथ वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं। इसकी एक एक डिटेल को देखिए और उन कारीगरों को सलाम कीजिए जिन्होंने इस भारत दर्शन पार्क को बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया है। यहाँ पे कई ऐसे स्पॉट बने हैं जहां लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और ये रहा ताजमहल। वही शांति, वही सुकून। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए बेकार हो गई थी, जो कचरे के ढेर में जाने वाली चीज़ें थी या फिर जा चुकी थी, उनको फिर से रीयूज़ करना बहुत बड़ी बात है और इससे सरकार को रेवेन्यू तो मिल ही रही है, लोगों को काफ़ी मनोरंजन भी मिल रहा है। यहाँ चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा सब देख सकते हैं आप। ये है चार मीनार। इतनी खूबसूरती से बनाया गया, कोशिश की गई है कि सारी डिटेल्स रखी जाए जैसी वास्तविकता में है। ये सुंदर कलाकृतियाँ जो नट बोल्ट और स्क्रैप मटेरियल से बनाई गई हैं, दूर से देखकर आप कह ही नहीं सकते कि ये स्क्रैप मटेरियल से हैं, लेकिन जब आप इन रेप्लिकाओं को नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे व्यर्थ पड़ी चीज़ों का सही इस्तेमाल किया गया है। अब इस हाथी को ही देख लीजिए, गाड़ियों के पुराने पार्ट, कलपुर्जे, उनका इस्तेमाल कर हाथी की पूरी बॉडी बनाई गई है। ये खूबसूरत मोहतरमा भी कबाड़ से ही बनी हुई है। कचरे को डालने के लिए डस्टबिन भी कबाड़ से ही बना हुआ है। अगर आपके पास एक दिन की छुट्टी हो या कुछ घंटों का भी वक्त हो तो अपने बच्चों के साथ भारत दर्शन पार्क जरूर आएं और अपने देश के ऐतिहासिक धरोहरों के एटलीस्ट रेप्लिकाओं के ही दर्शन उन्हें करवाएं।